नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविशंकर मिश्र है। हाल ही में घोषित यूपीपीसीएस 2018 के परीक्षा परिणाम में मेरा चयन पुलिस उपाधीक्षक पद पर हुआ है। आज मैं आप सबके सामने दिल्ली नॉलेज ट्रैक अपने इस सफ़र के बारे में बताने के लिए आया हूं। मैं प्रतापगढ़ के एक छोटे से तहसील पट्टी से बिलोंग करता हूं। मेरा ये थीम मतलब मन था कि सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन 10वीं में मेरे स्कोर बहुत कम रहे क्योंकि वहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम जो था वो भी था। फिर मैथ हाई स्कूल का पहले बहुत टफ हुआ करता था, आई थिंक आज भी काफ़ी टफ है, तो मैथ ही पढ़ता रह गया तो मेरे मार्क्स काफ़ी कम आए। नेट भी हुआ, जेआरएफ भी हुआ और पीएचडी में एडमिशन के दौरान ही मैं परीक्षाएँ देता रहता था और आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर पद पर मेरा चयन हो गया 2012 के अंत में। और 2013 में मुझे वहाँ से कॉल लेटर आया तो 2013 दिसंबर में मैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की सर्विस को ज्वाइन किया। इस दौरान मेरा जो सपना था, जो गांव से मैं लेकर आया था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊंगा, ये सपना कहीं से भी कमज़ोर नहीं होने दिया, मैं लगातार लगा रहा। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था, पिताजी किसान थे और मार्जिनल किसान जिनके सामने बहुत सारी कठिनाई थी, हम दो भाई हैं। 2016 में मैं दिल्ली आया, 2017 का प्रीलिम्स यूपीएससी को ही मैं स्पेशली टारगेट किया था, लेकिन 2017 और 18 दोनों बार ऐसा हुआ कि मेरा स्कोर प्रीलिम्स का बॉर्डर लाइन पर रहा, जिसके जब रिजल्ट आया तो मायूसी ही लगी। मेरी इस तैयारी के दौरान जो सबसे बड़ा मुश्किल रहा है वो यही रहा है कि प्रीलिम्स परीक्षा का क्लियर ना कर पाना, और किसी सर्विस को करते हुए तैयारी करना अपने आप में काफ़ी मुश्किल काम है। सिलेक्शन नहीं होने पर जो भी सामाजिक और जो पारिवारिक दबाव होता है, कोई कहता नहीं है लेकिन अपने मन का भी दबाव होता है, परिवार का दबाव होता है, दोस्तों का, सबकी अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। तो आजकल हाल ये हो गया है कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन पाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है। इस वीडियो को वो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग मोटिवेटेड रहिए, लगातार लगे रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।